नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोविड के बाद लोगों में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और मेडिसिन लेने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे मस्कुलर पेन हो या हड्डियों में दर्द हो रहा हो या शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई हो या वीकनेस बढ़ गई हो या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, लोग विटामिन डी लेने लगे हैं सप्लीमेंट फॉर्म में या मेडिसिन फॉर्म में, कभी कभी तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। दोस्तों, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यदि शरीर में किसी चीज़ की मात्रा कम होने से, उसकी डेफिशिएंसी होने से शरीर में सिम्टम आ सकते हैं, तो उसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होने से भी सिम्टम आ सकते हैं और बॉडी में उस पर्टिकुलर चीज़ की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए शरीर में जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिशिएंसी लगे या कम मात्रा लगे, चाहे वो विटामिन हो या कैल्शियम हो या प्रोटीन हो, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसके बाद ही उस तरह का सप्लीमेंट या मेडिसिन शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है और किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब हमारे शरीर की त्वचा सनलाइट से एक्सपोज होती है तो उसकी यूवी रेज के कारण हमारे शरीर की त्वचा विटामिन डी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाती है। यदि हम हफ्ते में 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए भी यदि सनलाइट में बैठते हैं, स्पेशली सुबह की सनलाइट में बैठते हैं, तो ये सफिशिएंट होता है विटामिन डी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ फूड सोर्सेस हैं जिनसे भी हमको विटामिन डी मिल जाता है, जैसे एग का योक हुआ या फिश हुई, फिश में मेनली सैल्मन फिश हो गई, या फिर पीनट बटर हो गया, बादाम हो गया, इस तरह के फूड कंटेंट से भी विटामिन डी हमको मिलता है। यदि मैं रिकमेंड डेली डाइट की बात करूं अबाउट विटामिन डी, तो 1 साल से कम बच्चों में 400 इंटरनेशनल यूनिट जरूरत होती है विटामिन डी की, और उससे बड़े लोगों में 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत हमारे शरीर को होती है। यहाँ पर अब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे कि किन कारणों से हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नंबर 1, यदि स्किन का कलर चेंज हो जाए, स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाए, तो हमारी शरीर की जो त्वचा होती है उतनी मात्रा में यूवी रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और विटामिन डी नहीं बन पाता। नंबर 2, ओल्ड एज में भी स्किन की ये वाली कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है कभी कभी, तो वो विटामिन डी उतनी भरपूर मात्रा में बना नहीं पाती। तीसरा ये होता है कि किन्हीं लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा दिन टाइम तक धूप में नहीं रहते हैं या धूप नहीं लेते हैं, तो और वो बहुत डैम्प इस तरह के वेदर में रहते हैं या वहाँ धूप कम आती है उस हिस्से में, तो भी वो उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में किस किस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। इसमें नंबर 1 पे ये होता है कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो यदि ये कम हो जाता है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, मसल जल्दी फटी होने लगती है। नंबर 2, इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये देखा गया है कि जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको बहुत मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है और उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकती है। जिन बच्चों में सीवियर अस्थमा होता है, वीजिंग साउंड होता है, उन स्टडीज़ में देखा गया है कि उनकी भी शरीर में विटामिन डी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। और एक फैक्टर और है स्टडीज़ के आधार पर कि यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी शरीर में हो जाती है तो कैंसर होने की संभावना भी शरीर में बढ़ जाती है। पेशेंट बहुत डल फील करता है, डिजीनेस फील करता है, वीकनेस हो जाती है और उसका हेयर लॉस भी होने लगता है। यदि यह सिम्टम पेशेंट को मिल रहे हैं तो भी आपको पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, उस पर्टिकुलर टाइप का इन्वेस्टिगेशन करवाना है कि कैल्शियम का करवाना है कि विटामिन डी के लिए करवाना है, उसके बाद भी आप किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में ले दिया तो हमारे ब्लड में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है
और हमें कई तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे विटामिन डी शरीर में ज़्यादा होने के कारण कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, उससे बोन पेन होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, पेशेंट को नोशिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन बच जाएगी, उसको कन्फ्यूज़न वाली फीलिंग आएगी माइंड में, उसको रीनल स्टोन भी हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी की दूसरी बीमारियाँ हो सकती हैं। और पेशेंट को यदि ये मात्रा ज़्यादा मतलब विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो और मोर सीवियर डिजीज़ हो सकते हैं जो फैटल भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है तो उस चीज़ की टॉक्सिटी भी हो सकती है, और कभी कभी तो डेफिशिएंसी से ज़्यादा गंभीर परिणाम दिखते हैं टॉक्सिटी के। तो आपको ध्यान रखना है, पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर ही किसी चीज़ का सप्लीमेंट शुरू करना है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपके विटामिन डी के कंसेप्ट क्लियर हुए हों, आपको समझ में आ गया हो कि कब टॉक्सिटी का लेवल होगा या कब डेफिशिएंसी होगी, किस तरह से सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो यदि आपको इसमें हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।